फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा, बाय डिंट ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, बाय वे ऑफ, बाय रीजन ऑफ और बिकॉज ऑफ का क्या इस्तेमाल है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम इनका कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। बाय मींस ऑफ या बाय डिंट ऑफ या विद द हेल्प ऑफ या बाय वे ऑफ या बाय रीजन ऑफ या बिकॉज ऑफ, इन सभी की मीनिंग तकरीबन एक जैसी होती हैं। या इन सभी का इस्तेमाल आप के रहम से या के मदद से, के कृपा से, के वजह से या के जरिए के लिए आप कर सकते हैं। यानी अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस मिले जहां लिखा हो के रहम से या के मदद से, के कृपा से या के मेहरबानी से, के जरिए, तो आप इनमें से किसी का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। मैं आपके रहम से नौकरी पाया। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गॉट अ जॉब बाई मीन्स ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने देखा कि रहम से के लिए मैंने लिखा बाई मीन्स ऑफ। आप चाहें तो बाई मीन्स ऑफ की जगह पर बाई डिंट ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, बाई वे ऑफ, बाई रीजन ऑफ या बिकॉज ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब कभी भी आपको ये कहना हो आपके रहम से, आपकी मदद से, आपकी कृपा से, आपके वजह से, आपके जरिए, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए बाई डिंट ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, बाई वे ऑफ, बाई रीजन ऑफ या बिकॉज ऑफ, इनमें से किसी का इस्तेमाल करके आप अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं आपके मार्फत या कर पाया। फ्रेंड्स, कई बार हम कहते हैं के मार्फत, चाहे आप कहें के मदद से या के सहारे, के वजह से या के मार्फत से, बात एक ही है, बस कहने का अंदाज अलग है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके मार्फत या कर पाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज एबल टू डू दिस बाई डिंट ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाई डिंट ऑफ का इस्तेमाल मैंने के मार्फत के लिए किया। तुम पैसे की मदद से जिंदा हो, तो आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे यू आर अलिव विद द हेल्प ऑफ मनी। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा के मदद से के लिए मैंने यूज किया विद द हेल्प ऑफ। आप चाहें तो यहाँ बाई मीन्स ऑफ या बिकॉज ऑफ, By reason of का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस चैनल के मार्फत इंग्लिश सीखता हूँ, तो आप कहेंगे I learn English because of this channel। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये सभी टॉपिक्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई इस लेसन को आपने समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं देख सकूँ कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।